टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो खतरों के खिलाड़ी अपने नए सीजन 12 के साथ लौट आया है और फाइनली उठ गया है पर्दा इसकी कंटेस्टेंट लिस्ट से। ये शो शुरुआत से ही सुर्खियों में बना हुआ है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं E24 की खास बातचीत सीजन 12 के कंटेस्टेंट से। इस बार शो का हिस्सा बने हैं फेमस कोरियोग्राफर और डांसर तुषार कालिया, और चलिए देखते हैं क्या है इनकी स्ट्रेटेजी शो को लेकर। Well, I'm super excited for to be a part of the show, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12, and पिछले 3-4 सालों से मैं चाहता था शो करना, क्योंकि मुझे शो बहुत पसंद है। जिस तरह के एडवेंचर स्टंट्स यहाँ करने को मिलते हैं, आपको लाइफ में दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी करने के लिए। दिस टाइम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, दिस टाइम गॉट द टाइम गैप, सो आई सेड यस फॉर द शो। वेल, इतनी खास तैयारी अभी नहीं की है मैंने, लेकिन आई नो जिस तरह का शो फॉर्मेट है, और आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट, आई ऑलवेज मेक श्योर आई ऑलवेज डूइंग आउटडोर एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो ट्रैकिंग हो, चाहे वो हाइकिंग हो, सो आई एम वेरी वेल इक्विप्ड फॉर द शो आई फील। एंड जिस तरह देख रहे हैं, बाल सब काट दिए मैंने, क्योंकि आई डोंट वांट टू कॉन्सेंट्रेट कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या हो रहा है। रोहित सर पानी में फेंकेंगे, कीड़े फेंकेंगे, तो सब चलेगा। आई थिंक आई एम ऑल रेडी फॉर दैट। तो वहीं इंटरनेट सेंसेशन फैजल शेख यानी कि मिस्टर फैजू भी खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले हैं, और इसके लिए फैजू ने खास तैयारी भी की है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्रॉसफिट स्ट्रेंथ और कोर के लिए और स्विमिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि स्टंट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज होगी मेरी वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मेरी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो कि मैं उसकी भी पूरी तैयारी में लगा हुआ हूँ कि घबराऊँ ना, क्योंकि टीवी में देखने के बाद में और सामने करने के बाद में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सो लेट्स सी कैसा होता है। कुमकुम भाग्य से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली श्रुति काफ़ी एक्साइटेड हैं रोहित शेट्टी के साथ काम करने के लिए। उनके साथ इतने वक्त तक काम करने का मौका मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। ही इज अ डैम कूल गाय, तो मज़ा आएगा। और एक्शन के स्पेस पे वो बहुत स्पेस में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और वो हमें गाइड कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे, और मज़ा बहुत आएगा आई थिंक उनके साथ काम करके, उनके साथ इंटरेक्ट करके। टीवी की चुलबुली अदाकारा अनेरी विजानी भी जुड़ गई हैं खतरों के खिलाड़ी से, और उन्होंने शेयर की है इस शो के साथ जुड़ने की कहानी। एक्चुअली खतरों पिछले 2-3 सालों से हाना हो रहा था। जैसे कि मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर वक्त होता है जब आपको वो चीज़ मिलती है। सो आई फील दैट दिस ईयर, पता नहीं, ऐसे अंदर से ही मेरे को लगा कि लेट्स जस्ट डू इट, क्या ही होगा, लाइक What can go wrong? Let's just do it. And of course, my mom really, really wanted me to do खतरों के खिलाड़ी. And जब उनको मैंने बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने बोला कि बस इस साल तो तू कर ही ले। हम सबकी चहेती नायरा भी इस सीजन में हमें खतरों से खेलते हुए दिखने वाली हैं। और क्या कुछ तैयारी की है शिवांगी जोशी ने, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, पर अब खतरों से खतरा मोल ले ही लिया है, तो लड़के आएंगे। आपको आपने जितने भी हमने प्रीवियस के सारे सीजन्स देखे हैं, रोहित सर बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं बॉडी के ऊपर, बहुत प्रैंक्स करते हैं, वेदर इट्स रेप्टाइल्स, वेदर इट्स इंसेक्ट्स और सब कुछ, क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों उन सब चीज़ों के लिए? ये एक ऐसा शो है जहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, तो तैयारी चल रही है, काम कर रही हूँ मैं उस पर। लेकिन आई थिंक जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, मुझे नहीं लगता आप उनके लिए तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल सही, वो तो वहीं जाके पता चलता है कि क्या होने वाला है और कैसे होगा। बिल्कुल। या एनी फोबिया यू हैव, बिकॉज अंडर वाटर भी शूट होगा, हाई लेवल पे भी एकदम आसमान में भी आपको जाना पड़ेगा, एनी फोबिया इफ यू वांट टू शेयर विद अस? नो, आई डोंट वांट टू शेयर एनी फोबिया, बट आई हैव अ लॉट ऑफ फोबियाज, एंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज आई वांट टू ओवरकम ऑल माय फियर्स। टीवी की छोटी बहू यानी कि रूबीना ने भी बात की अपने स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी को लेकर। मेरा ये मानना है ये एक ऐसा शो है जहाँ पर ऐसा हफ्ते में, महीने में आप कुछ ऐसा चमत्कार नहीं कर पाएंगे। व्हाट फियर्स यू हैव दैट यू हैव एंड यू विल हैव टू बैटल इट व्हेन यू विल बी थ्रोन अपॉन सच टास्क। जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, आप में कितनी फिजिकल एजिलिटी है, आप में कितनी केडेंस है, वो तो मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा है इन पास्ट यू नो कपल ऑफ ईयर्स, और आप बचपन से कैसे रहे हैं, दैट्स गोना डिटरमिन। सो आई थिंक पर्टिकुलरली
इस शो के लिए एक्सक्लूसिव कुछ करने से मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है. कई लोग करते होंगे बट आई डोंट नो, आई एम व्हाट आई एम एंड व्हाट आई फॉलो माय रिचुअल्स विद. राजीव आदित्य भी हमें इस बार खतरों के खिलाड़ी में खतरों का सामना करते दिखेंगे और राजीव ने हमें बताया फोबियाज और अपनी प्रिपरेशन के बारे में. Very excited for Khatro Ke Khiladi. I'm super nervous, super anxious, super scared, and all the emotions you can think of. So, कुछ preparation करी है वहाँ जाने से पहले? बहुत preparation किया मैंने. मतलब I've been working out, working my core, my mental peace, my mental strength. So a lot of things I'm praying for the show. So hopefully it works. रोहित शेट्टी different stunts करवाते हैं. कभी हवा में लटका देते हैं, कभी पानी के अंदर. तो आपका phobia क्या है? बहुत सारे phobias हैं. बहुत सारे phobias नहीं भी हैं. तो आई थिंक वहाँ जाके हम देख सकते हैं क्या क्या होने वाला है शो में. बट आई थिंक ऑल द स्टंट्स आर वेरी वेरी एक्सट्रीम. तो मतलब वहाँ जाके आई थिंक सबको डर तो होने वाला है. लास्टली प्रतीक और निशांत ने भी शेयर की अपनी तैयारी और बताया कि कितने एक्साइटेड हैं दोनों इस शो को लेकर. अभी तो सामान भी पैक नहीं किया यार, कोई प्रिपरेशन नहीं करी. वहाँ पे जाके होगा जो देखा जाएगा. और क्या हॉर्स राइडिंग की का कोई फायदा नहीं है वहाँ पे. हॉर्स के ऊपर बिठाने नहीं वाले आपको. वो हॉर्स को ऊपर चढ़ा देंगे. हॉर्स के ऊपर से आपको हॉर्स के नीचे लेटा देंगे और ऊपर चढ़ा देंगे हॉर्स को. मतलब तैयारी ऐसे कुछ की नहीं, कोशिश की कि हम कुछ कर पाए लेकिन टाइम नहीं मिला करने का. और जो भी होगा उधर जाके देखा जाएगा. जो ये सीख रहा है पिग राइडिंग. हाँ, और ये अभी वापस शुरू हो जाएगा फिर अपना चलेगा. जैसे कि हम देखते हैं खिलाड़ी में रोहित शेट्टी कभी आसमान पलटकाते हैं, कभी पानी के अंदर. तो आपका फोबिया किससे, किस चीज से आप ज्यादा डरते हैं? तो डरना तो वैसे हमको रोहित सर से चाहिए फिर, क्योंकि किसी और चीज से नहीं. रोहित सर से डरना चाहिए. लेकिन नहीं, आई थिंक जब वहाँ पे मोमेंट होगा तो फिर वो हो जाएगा. एंड आई बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल एंड वी विल डू इट. देखो आम दुनिया आम मतलब डेज में रेगुलर डेज में हम ऐसी सारी चीज़ें करते नहीं है. पर एक अच्छा मौका मिल रहा है हमें ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करने का, अपने डर को फेस करने का. सो हर चीज़ से डर लगेगा, अभी नहीं भी लगेगा, बट उस पॉइंट पर एक्चुअली पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं.